पॉली कैप में। ठीक है, सिद्धार्थ की राय ले लेते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है और काफी अच्छा एक्शन स्टॉक में बना भी है। और सिद्धार्थ, जो इनका एंट्री लेवल है वो भी काफी अच्छा है, 535 की इनकी बाइंग है, डबल हो चुका है स्टॉक, अभी भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, 1160 का हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। हम मानते हैं कि ये वायर्स एंड केबल का लीडर है, 12% मार्केट शेयर, अच्छी बैलेंस शीट, 30% के मुनाफों में ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। पॉलीकैप बिल्कुल रखिए। डेफिनेटली इस पर आपका होल्ड होगा क्योंकि ये तो आपकी काफी समय से पिक रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर आया है ऊपरी स्तरों से, बट आप क्या सजेशन है? बिल्कुल दीपाली, आपने एकदम सटीक याद रखा, L&T डेफिनेटली होल्ड है। पिछले दो क्वार्टर्स से, दो तिमाही से नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बट स्टॉक पे परफॉर्मेंस नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो GDP के साथ कनेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर GDP में कमजोरी, कंपनी में कमजोरी रही है। हम मानते हैं कि 2020 में गवर्नमेंट का रोड मैप अच्छा होगा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्कुल बने रहे, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, बट L&T इज प्रॉक्सी टू इकोनॉमी। 384 ये हो चुका है। अगेन सिद्धार्थ, शायद आपको देखकर आपके रेकमेंडेड स्टॉक्स पर सवाल ज्यादा आ रहे हैं। दीपक नाइट्राइट आपकी एक वन ऑफ द टॉप पिक रही है पिछले कई महीनों से, प्रॉफिट्स भी इसमें हुए हैं और इनको भी हो रहे हैं, तो अब क्या करना है, प्रॉफिट्स लेना है या फिर रखना है? बिल्कुल रखना है, गिरावट पे खरीदना है, ये लेवल पे भी आप खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा 496 का लक्ष्य है। हम मानते हैं कि दीपक नाइट्रेट हम 100 रुपये के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं, मल्टीबैगर बन चुका है, यहाँ से भी बहुत ज़ोरदार ग्रोथ की उम्मीद है। हमें लगता है कि आपको इस पर बिल्कुल एडिशन करना चाहिए शेयर्स के, 496 करीबन 500 रुपये का लक्ष्य। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दीपक नाइट्राइट। इनकी प्राइस देखकर तो लगता है कि इन्होंने काफी पहले लिया है, काफी शानदार मुनाफे में भी है। सिद्धार्थ, मुनाफा ले लें या फिर होल्ड करें? भी हम मानते हैं कि बजट में बहुत हद तक पॉपुलिस्ट मेजर्स भी लिए जाएंगे, रूरल ग्रामीण इलाकों को कैसे ऊपर लाया जाए ये भी देखा जाएगा, तो FMCG डेफिनेटली इसका एक बेनिफिशियरी रहता है, और FMCG का जायंट HUL बेनिफिशियरी रहता है। 2400 के लक्ष्य से इसमें बने रहे, लार्ज कैप कंपनी है, MNC कंपनी है, चिंता का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल बने रहे। रुपए का स्टॉक अभी 424 पर कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए भी, क्विकली उनसे पूछ भी लेते हैं यही स्टॉक है या यही प्राइस है। 520 के आसपास का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स में है, अवार्ड अच्छे आ रहे हैं, बैलेंस शीट बेहतर है, थोड़ा सा अगर इकोनॉमी में थोड़ा पिकअप आ गया तो मैं मानता हूं कि सारे रोड सेगमेंट और इंफ्रा कंपनीज में एक रन अप आ जाएगा। इस पे आप रुक सकते हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिव्यू करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है दिलीप बिल्डकॉन, लेकिन परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहिए। वो 790 का है, बताइए क्या करना है? ब्लू स्टार में मुनाफे में है, यहां भी ये 60-70 रुपए के, क्या सजेशन है? एयर कंडीशनर में बहुत अच्छी काम कर रही है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट बिजनेस में भी अच्छे ऑर्डर बुक्स है। ये ना भूले कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन जितने 15-16 शहरों में हो रही है वहां पे भी ब्लू स्टार को कुछ एक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ब्लू स्टार प्रोजेक्ट बिजनेस एयर कंडीशनर में अच्छा मार्केट शेयर रखती है, बिजनेस अच्छा कर सकती है, आने वाले समय में आप अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। 1150 के आसपास का आप लक्ष्य बना के रखें, 6 से 12 महीने आप इस पे होल्ड रखें। मुनाफे में है सिद्धार्थ, बजट तक यूजुअली रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन रहता भी है, तो रखें बजट तक या फिर जो मुनाफा मिल रहा है वो ले लें? बजट बहुत दूर नहीं है, अब सिर्फ 14-15 दिन है, मुझे लगता है कि जहां पे भी आपको एक उछाल मिलता है उस पे आप मुनाफा बुक कर लें। ठीक है, तो प्रॉफिट लेने की सलाह है RBNL से ऑलरेडी।